हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप स्नैप मिनट पर लिमिट इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आपको साथ ही इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप रिफंड वापस पा सकते हो। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपने कोई ऑर्डर कर दिया है और आपको वापस ऑर्डर कैंसिल करके वापस रिफंड पाना है, आपके जो भी आपने पैसे डाउन पेमेंट के तौर पर दिए हैं उनको वापस अगर आपको पाना है, तो फ्रेंड्स आप कैसे उसको आप रिफंड ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर पहले मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हो। यानी कि फ्रेंड्स, आपको शॉपिंग करने के लिए जो भी आपको लिमिट बढ़ानी होती है फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स जैसे कि 5,000 लिमिट होती है तो उसको 10,000 कैसे आप बढ़ा सकते हो, तो फ्रेंड्स वो मैं बताऊंगा। उसके बाद में आपको बताऊंगा कैसे आप यहां पर कोई भी ऑर्डर का आप रिफंड पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे इसमें आपको शॉपिंग करनी है और कैसे आपको इसमें रिफंड मिलेगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अपना ऑर्डर कैंसिल भी कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको स्नैपमिंट एप्लीकेशन आपने अगर पहले से डाउनलोड करके, ठीक है, वरना इसको डाउनलोड कर लेना है, या इसकी आप साइट पर भी जा सकते हो, वेबसाइट पर भी आप जा सकते हो। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको लिमिट कैसे इंक्रीज़ करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर मैं आपको पहले बता रहा हूँ लिमिट, उसके बाद में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप रिफंड कैसे पा सकते हो, ये सभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर मुझे लिमिट अप्रूव्ड लिमिट मेरी दी हुई है 9,017 और अवेलेबल लिमिट मेरी जो बता रहा है 3,000 रुपये। अब फ्रेंड्स, ये क्या है मैं आपको यहाँ पर एक क्लियरली समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अप्रूव्ड जो लिमिट होती है, यानी कि फ्रेंड्स जो आपको ये लिमिट मिली होती है फ्रेंड्स, इस तक की आपको शॉपिंग करने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, किस तरह से वो मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स 9,000 यहाँ पर दिए हुए हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3,000 रुपये की आपको अवेलेबल लिमिट दी हुई है। जैसे कि आप अभी कोई परचेस करते हैं तो आप 3,000 रुपये तक आप कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल में अपना बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा आप समझ सकते हो एक बार कि 3,000 रुपये की मुझे अवेलेबल है अभी मेरी लिमिट, तो इस 3,000 रुपये का मैं अभी कोई प्रोडक्ट परचेस कर सकता हूँ। हाँ पर फ्रेंड्स, अप्रूव्ड लिमिट मेरी 9,017, यानी फ्रेंड्स मैं 9,000 तक खरीद सकता हूँ। अगर मैं 3,000 रुपये का जो भी प्रोडक्ट परचेस करता हूँ उसको मैं अगर टाइम टू टाइम पे करता हूँ तो 9,000 तक मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं रेगुलर अच्छा टाइम टू टाइम रेगुलर पेमेंट करता रहता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी लिमिट मिल जाएगी। और इसी तरह से आप भी अपनी लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, आपको टाइम टू टाइम रेगुलर पेमेंट करना है, जो भी आपको यहाँ पर लिमिट दी हुई है अप्रूव्ड और अवेलेबल। तो फ्रेंड्स, अवेलेबल जो लिमिट होती है जैसे कि 3,000 मेरी बताई हुई है, तो उसी के अनुसार आपको चलना है और आपको जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हो उसको टाइम टू टाइम रीपेमेंट करना है। चाहे फ्रेंड्स कुछ भी हो जाए, आपको टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं होगा, तब भी आपकी जाकर के लिमिट इंक्रीज होगी। अगर फ्रेंड्स आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, यानी फ्रेंड्स आपकी ईएमआई लेट हो जाती है, अगर आप नहीं पे कर पाते हो, तो फ्रेंड्स आपको टाइम टू टाइम एक बार रीपेमेंट करना होगा। जो भी आपकी ईएमआई बनती है वो आप टाइम टू टाइम रेगुलर पेमेंट कीजिए, तो आपकी ऑटोमेटिक आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर इजीली आप ईएमआई पर शॉपिंग कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ सब अब आपको रिफंड कैसे पा सकते हो। यानी फ्रेंड्स, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो फ्रेंड्स उसका आप रिफंड कैसे ईजिली पा सकते हो, तो फ्रेंड्स वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, रिफंड पाने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इन 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ उसको आपको यूज़ करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आना है आपको कॉन्टैक्ट अस के एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इस पर आपको क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे हेल्प टॉपिक खुल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है हेल्प टॉपिक। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा आपका क्या इशू है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको रिफंड पाना है, तो फ्रेंड्स रिफंड का दिया हुआ है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये रिफंड का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि हाउ डू आई गेट माई रिफंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर करना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक दिया, अब वापस यहाँ पर दो ऑप्शन खुल चुके हैं कि व्हेन विल आई रिसीव माई रिफंड, यानी फ्रेंड्स आपको कब तक आपका रिफंड मिलेगा, और अदर्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको व्हेन विल आई इस पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप देखते हो, इट्स यूजली टेक 4 to 7 वर्किंग डेज फॉर अ रिफंड टू रिफ्लेक्ट इन योर बैंक अकाउंट, यानी फ्रेंड्स 4 से 7 दिन लगते हैं आपके यहाँ बैंक अकाउंट में वापस इनको रिफंड भेजने में। और फ्रेंड्स, अगर कुछ लेट होता है या कुछ होता है तो फ्रेंड्स ये लगभग 7 दिन के अंदर वर्किंग डेज, यानी फ्रेंड्स आपको मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे 7 दिन के अंदर आपको ये, रविवार को फ्रेंड्स ये बंद रहते हैं बैंक, इसीलिए नहीं आ पाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 या 8 दिन के अंदर आपके बैंक में वापस से पैसे आ जाते हैं। अगर फ्रेंड्स फिर भी नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर इनका इशू, जो भी आपको यहाँ पर इशू आ रहा है और आपको रिफंड नहीं मिला, तो इसको यहाँ पर अटैच फाइल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहाँ पर आपको जो भी आपका स्क्रीनशॉट हो फ्रेंड्स उसको यहाँ पर शेयर करना होगा और सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स सबमिट करने से इनके पास से जाएगा और देखेंगे और आपको रिफंड कर देंगे अगर आपका नहीं आता है तो, वरना ये कंप्लीट आ जाता है 7 या 8 दिन के अंदर। तो फ्रेंड्स, एक तो ये बात रही जो मैंने आपको बता दी। अब फ्रेंड्स, अगर आपका कोई अदर इशू हो तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वापस आना है कॉन्टैक्ट अस के पेज पर। यहाँ पर आपको अगर आपका ऑर्डर आपको चेक आपको ट्रैक करना है, कुछ भी करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर
ट्रैक करने के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, हाउ डू आई चेक ऑर्डर स्टेटस मॉडिफाई माई ऑर्डर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपका इश्यू है वो सेलेक्ट करोगे और आप इजीली यहाँ पर ट्रैक भी कर पाओगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो चला हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो आप ऑर्डर कैंसिल कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, वापस आना है कॉन्टैक्ट अस के पेज पर। सिंपल यहाँ पर आपको कैंसिल माई ऑर्डर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वापस से आपको यहाँ पर हाउ डू आई चेक ऑर्डर स्टेटस मॉडिफाई माई ऑर्डर, यहाँ पर आपको वापस से क्लिक करना है और यहाँ पर थर्ड नंबर पर एक दिया हुआ है हाउ डू आई कैंसिल माई ऑर्डर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ़ योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड विद द मर्चेंट, इफ़ इन द अर्ली स्टेज प्लीज़ राइट अस बिलो टू रीजन टू कैंसिलेशन विथ योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स अगर ये ऑर्डर अगर आपका हो गया है फ्रेंड्स आपका, तो आप कैंसिल यहाँ से नहीं कर पाओगे। पर फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी करना है तो आपको यहाँ पर जो भी आपका ऑर्डर है ऑर्डर आईडी का यहाँ पर स्क्रीनशॉट डालना होगा और सबमिट करना होगा, तब जाकर आपका ऑर्डर यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा।